फाइलेरिया उन्मूलन एवं कृमि रोग से मुक्ति कार्यक्रम के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। 12 से 24 मई तक चलने वाले अभियान में 3,244 कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र डीसी की गोली और एल्वेंडाजॉल टैबलेट खाकर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि जिले में 34,46,000 से अधिक की जनसंख्या को अभियान के दौरान दवाई खिलाई जाएगी। इसके अलावा 3,244 टीम बनाई गई है जिनके कार्यों का परीक्षण 541 सुपरवाइजर करेंगे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 से 2 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। गर्भवती महिलाओं में ज्यादा बीमार नागरिकों को यह दवा नहीं दी जाएगी। 22 से 27 मई 2022 तक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव कहते हैं, कि दवा 2 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को खिलाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं तथा ज़्यादा बीमार नागरिकों को यह दवा नहीं दी जाएगी। 2 तरह की दवा इस कार्यक्रम में खिलाई जाएगी। पहली एल्बेंडाजॉल की गोली सभी को खाना है, दूसरी VIC की गोली उम्र के अनुसार दी जाएगी। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली, 5 से 15 वर्ष के बच्चों को 2 गोली और 15 से ऊपर वाले सभी नागरिकों को 3 गोली खाना है। सभी दवाई खाना खाने के बाद ही खाई जाएगी। आशा है सभी नागरिक दवा खाकर फाइलेरिया हाथी पांव रोग को हराने में साथ देंगे। हमारा संकल्प फाइलेरिया से मुक्ति। फाइलेरिया बहुत ही एक ऐसा रोग है कि जो एक बार होने के पश्चात दोबारा इसका कोई इलाज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में ऐसे रोग को जिसका कोई इलाज नहीं है, ये एक अभियान के रूप में दवाई खिलाकर इसकी रोकथाम की व्यवस्था की गई है। मैं जनपद बहराइच के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि जिस आयु वर्ग के लोगों को जितनी दवाई खिलानी है, जितनी टैबलेट खिलानी है, उसको स्वेच्छा से खाएं और इस अभियान को 100% सफल बनाकर मलेरिया हाथी पांव जैसे रोग से मुक्ति दिलाने के लिए अपना संकल्प लें। मैं पुनः एक बार सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करूंगा कि वो इस टीकाकरण के अभियान की तरह के इस अभियान को भी अपने जीवन में आत्मसात करके हाथी पांव और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ CMO साहब हैं और उनके सहयोगी अधिकारी हैं। मैं इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ।